जीवन मिटे नहीं दोष, गुरु बिन लखे न सत को, अरिवीर गुरु बिना मिले नहीं मो। साचा मिले कोई ले सिरी साठे तो, हरि बिन सतगुरु के कोई नहीं तेरो, बिन सतगुरु के कोई नहीं तेरो, अरे अंत समय के माई ओ मन मेरा सतगुरु करे मेरा भाई। जब महाकष्ट पड़े गो तेरे में कोई न आडो आई, हो बिरा जब महाकष्ट पड़े गो तेरे में कोई न आडो आई, बिरिया और धरा मात पिता सुत, मात पिता तेरी आई सारा आखिर मुंडो छिपाई रे मन मेरा, ओ मन मेरा सतगुरु करे मेरा भाई। और माल खजाना सभी धरिया रे जाई, हरियो धन दौलत और माल खजाना सभी धरिया रे जाई, यम का दूत धन पकड़ ले जावे, फिर गोता खा तो जाई रे मन मेरा, ओ मन मेरा सतगुरु करे मेरा भाई। तेज की करी रे हिमायती देवा की चले बठनाई, कई आदमी
अपना गुरु ने खुद को खुद ही गुरु मान लिया करे कि मेरे राजनेताओं संपर्क है, मारो इतो प्रताप है, समाज वित्तीय अच्छी उठ बैठ है, मोकलो धन भी है माया भी, लेकिन भाई ये जितना भी सारा सामान है वह अटक ही वकालत कर सके। भगवान की दरबार में अगर कोई वकालत करनी हो है अपनो तो वह एक सतगुरु को नाम है, सतगुरु भगवान ही भगवान की दरबार में वकालत अपनी कर सके। विंटे महात्मा लिखा है, अरे राज तेज की करी रही माई ती, देवा की चले बठे नाई, गुरु सन देख दूर खड़ा वे जा, गुरु सन देख दूर खड़ा वे जा, भाग जमे जमराई रे मन मेरा, ओ मन मेरा सतगुरु करी मेरा भाई, बिन सतगुरु के कोई नहीं तेरो बिरा, कोई नहीं तेरो, बिन सतगुरु के कोई नहीं तेरो, अंत समय के माई रे मन मेरा, ओ मन मेरा सतगुरु करे मेरा भाई। सतगुरु मिले तो फंद छुड़ावे फिर निर्भय कर सोई, देखिए कितनी सुंदर पंक्ति है कि सतगुरु मिले तो फंद छुड़ावे, अगर गला में फंदो भी पड़ जाए फांसी को और गुरु महाराज अच्छा गुरु अपने मिले तो वे फांसी को बचा सका अपन। एक गांव का मैंने कहीं एक कोई पोपा भाई को राज, अब पोपा भाई को राज या ने बड़ा बूढ़ा तो जाने ही बात ने कि पोपा भाई का राज का मतलब है कि कोई ने भी जिंदो राख ले, कोई ने भी मार सके, कोई भी कानून किसी भी टाइम पास हो सके। भी गांव का महीने एक गुरु और चेलो दो ही आई गए, गांव का बड़ा भोला आदमी है, बहुत अच्छी सेवा करी, मान मनवार अच्छो करो, अच्छी अच्छी रसोईया पुरसी, 10-5 दिन में चेलो और गुरु दो ही मस्त हो गया। लेकिन गुरु महाराज एक दिन बेटे बेटे विचार करे, बेटा चेला कटे आ नहीं भेजेगा, आप भक्ति ने छोड़ी मोह माया में रम जावा तो अपन ही गांव ने छोड़ देनु साहब। चेलो बोलो गुरु महाराज आप भी किसी बात कर रहे हो, इतो आचो गांव है, इतना बढ़िया लोग है, इतनी सेवा आची चाल रही है, थेके रहो गांव नहीं छोड़ चला चला मैं नहीं जाऊं। गुरु महाराज बोले बेटा लोभ आचो नहीं है, आपने चालनो छाव, बोले नहीं मैं नहीं जाऊं, आप जाओ तो जाओ। तो गुरु महाराज इतनी बात के रवाना वे गया, बोले बेटा कोई भीड़ पड़ जावे तो थारा गुरु ने याद कर ली। अब सजना गुरु महाराज तो चले गया, चेला जी की भी सेवा बाकी वही हो रही है। 10-5 दिन बाद में बाप पोपा भाई के कानून पास करो कि भाई एक फांसी को फंदो बनाया जावे और जी का गला वो सही तरीका सेठ भेजा भी ना फांसी लगा दी जाओ। अब गांव का एक एक मिनट के फांसी को फंदो लगा देख रहे हैं कोई सेठ ना हो। गांव का बोले अपने महीने अपने गांव में एक महाराज भी अयोड़ा है, अगर वहां के सेठ हो जाओ तो वो लगा देख लो आप, तो कोई देर कहा कि लगाओ ना प्रो फंदो। तो चेला जी के जार जी वो फंदो लगायो महाराज गला में सेठ गए। चेलो बोले वो होनो का दिन पूरा वे गया था ना मरनो पड़ेला, मैंने कहा मैं तो कोई गुना भी नहीं करो, बोले गुना की जरूरत नहीं है, अटे कानून पास है तो पास। चेला ने तख्ता पे खड़ो कर दिया और फांसी का फंदा ने गला में डाल और आखिरी टाइम आखिरी इच्छा पूछी, बोले भाई था कि कोई आखिरी इच्छा हो तो बोल दो कि एक बार हमारा गुरु का दर्शन करवा। गुरु महाराज ने ढूंढ डांड ले आया दूर देखता ही चेला का आंखें में आंसू आ गए, हे गुरु महाराज आप कह रहे वह बात सही है कि आपने चले जानो चाहो, लेकिन गुरु का शब्द नहीं मानो आज मेरी मौत फाइनल है। गुरु महाराज सेन में ही समझा दियो, बोले बेटा चिंता मत कर आलती थारो गुरु जिंदा है। गुरु महाराज करने गया फंदा ने चारों तरफ देखो हाथ लगा और बोले अपनी पोती पांडरो निकाल और पोपा भाई नरदास करी, हे राजा महाराज ओ फंदो मारे लागणो छावे। बोले थाके क्यों लागणो छावे,
कि जो आज के दिन मरसी, आज का नक्षत्र में, आज का तिथि वार में जो मरसी, वो सीधो इंद्रासन प्राप्त कर सके। ई वास्ते यो इंद्र को आसन मैं लेबो चाहूं, वो आसन मने दो आप, ताकि चेलाऊं। पहली गुरु को स्थान है। पोपा भाई इस मन में विचार करे रहे, धरती पे गुणों मोकलो राज कर लिया, अब आपा क्यों नहीं इंद्र आपा बना। पोपा भाई पकड़ फंदा नर बोले को, ओ फंदो मारे लगाओगे था के क्यों के नहीं नहीं मैं बनूला इंद्र। तो पोपा भाई चेला का गला मुंह फंदो निकाले और खुद का गला में लगाए। गुरु महाराज सेन करियो रे, जल्लाद करियो, कहीं बेटी बाप खेच भरो फंदो खेचो रे। पोपा भाई ऊपर गया भी इंद्र बनो और चाहे इंद्र बनो, कोई मतलब नहीं है। सजना सतगुरु मिले तो फंद छुड़ावे, जैसा चंद्रराम जी महाराज लिखो है। सतगुरु मिले तो फंद छुड़ावे, फिर निर्भय कर सोई। असली राम तजी सकली आसरो, असली राम तजी सकली आसरो, चरण शरण सुख होई रे मन मेरा, ओ मन मेरा। सतगुरु करे मेरा भाई, सतगुरु भगवान।